तो स्वागत है आप सभी का फिर से एंड राय पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार बीएड का एग्जाम्स तो उसे फाइनली स्थगित कर दिया गया था ये कोरोना वायरस के कारण दोस्तों। लेकिन अभी अभी जस्ट एक न्यूज़ सामने आ रही है जहां पर तो हो सके तो इस ये एग्जाम को 26 अप्रैल को लिया जाएगा। तो इसी की रिगार्डिंग सारी बात डिटेल्स बताने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तो अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि इस तरह का न्यूज़ आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो न्यूज़ आ रही है फाइनली दरभंगा से, तो जहाँ बताया जा रहा है कि LNMU के द्वारा 26 अप्रैल को आयोजित हो सकती है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। दोस्तों देख सकते हैं, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, बस ये दरभंगा से न्यूज़ आ रही है कि हो सके तो आपको 26 अप्रैल से आपका एग्जाम ले लिया जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित हो सकती है। LMNU के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद बैठक होगी जिसमें 26 अप्रैल को बीएड एंट्रेंस आयोजित करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। नए शेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि 29 मार्च को आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारी और राज्य में लगे लॉकडाउन के कारण अगले अध्यक्ष तक स्थगित की गई थी। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर से बता दिया गया है दोस्तों, फाइनली 14 अप्रैल को खत्म होने वाली है लॉकडाउन, उसके बाद एक बैठक किया जाएगा जहाँ पर यह निर्णय लिया जाएगा कि हो सके तो 26 अप्रैल से आपका बीएड का एग्जाम है संयुक्त एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं, अगर किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि दोस्तों ये अभी पेपर में जारी किया गया है, वो भी ये बात सही है कि गलत है मैं कंफर्म बता नहीं सकता हूँ, जो आया न्यूज़ मैं आपको बताने आ चुका हूँ। बस ये जो न्यूज़ आएगा रियली जब होगा, जब ऑफिशियल LNMU का ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था वहां पे जैसे ये अपडेट करेगा मैं आपको बताने आ जाऊंगा। तत्काल दोस्तों अभी जो न्यूज है बिहार बीएड से रिलेटेड यही है जो मैं बता चुका हूं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का गवर्नमेंट वैकेंसी से अप टू डेट रहना दोस्तों, आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, ये रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलेगी, आप देख सकते हैं ये रहा स्टडी मटेरियल, जहाँ पर आपको GK GS जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर सारा नॉलेज आपको यहाँ पर साथ ही दिया जाएगा। यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिलता रहेगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। दोस्तों जाइए दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करना है, उसके अंदर सर्च कीजिएगा एंड्रॉइड पाठशाला, एंड्रॉइड पाठशाला जिससे आते हैं उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, डायरेक्ट आप लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके बिहार बीएड बिहार डीलिट से रिलेटेड पल पल का जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे किस तरह से एडमिशन होगा, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, कौन सा कॉलेज में आपका नाम लिखाना अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों में क्या अंतर है, काउंसलिंग किस तरह से होगा, ये सारी बातों को दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाली किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म या बिहार बीएड से रिलेटेड पल पल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।